लास्ट कुछ टाइम से मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स, डीएम्स, ईमेल्स आ रहे थे रिलेटेड टू कि वेब डेवलपमेंट सैचुरेट हो गया है क्या आज के टाइम में, तो क्या करूं मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूं, सेकंड ईयर में हूं, थर्ड ईयर में हूं, या फिर कॉलेज खत्म होने वाला है, मैंने वेब डेवलपमेंट कर लिया है एंड स्पेसिफिकली मर्न स्टार्ट कर लिया है बट मेरे को जॉब्स नहीं मिल रही है। मैं बहुत जगह अप्लाई करता हूं बट कहीं से रिवर्ट नहीं आ रहा होता। आई वाज हायरिंग एट तैयारी अ फ्यू वीक्स बैक, मैंने एक फॉर्म डाला था, फॉर्म में अराउंड 4,000-5,000 लोगों ने इसमें अप्लाई किया था। एक वीडियो और आप लोगों ने बनाई है क्या रेज्यूमे मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, एंड उसमें बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया। सो वी वर हायरिंग फॉर 3 पोजीशंस, 2 वेब डेवलपमेंट इंटर्न चाहिए थे एंड एक हमें ऐप डेवलपमेंट इंटर्न चाहिए था। वेब डेवलपमेंट में हमें चाहिए था आपको रिएक्ट और नेक्स्ट आता हो, एंड हमें ऐप में चाहिए था आपको रिएक्ट नेटिव आता हो। अब यू विल नॉट बिलीव कि आई शॉर्ट लिस्टेड अराउंड 70 पीपल आउट ऑफ दोज 5,000 पीपल, एंड मैंने बहुत सारे रेज्यूमे चेक किए, बहुत सारे रेज्यूमे देखे, बहुत सारे गिटहब प्रोफाइल्स देखी, बहुत सारे डिप्लॉयड प्रोजेक्ट्स देखे, एंड पता नहीं क्या 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 देखा मैंने। तो देर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो लोग गलतियां कर रहे थे, एंड दीज आर द पीपल हु से कि वेब डेवलपमेंट सैचुरेट हो चुका है या मर्न स्टार्क सैचुरेट हो चुका है। सो हाय गाइस, आई एम निशांत चाहर, करंटली बिल्डिंग एल्गो प्रेप एंड तैयारी, एंड दिस वीडियो इज फॉर एनीवन एंड एवरीवन जिनको ये लग रहा है कि वेब डेवलपमेंट सैचुरेट हो चुका है आज के टाइम पे, मर्न स्टार्क सैचुरेट हो चुका है। तो पहले मैं आप लोगों से एग्री कर लेता हूं, आई एग्री That Mern Stack Web Development is saturated, ठीक है, कर लेते हैं, agree कर लेते हैं। अगर मैं agree नहीं करूँगा तो तुम शायद मेरी बात सुनोगे नहीं, कर लेते हैं agree, धीरे धीरे फिर तुम्हें समझ आएगा मैं क्यों agree कर रहा हूँ। अब बात करते हैं दूसरे professions की, UPSC, government job सबके घरों में होता है, right? Everyone, अगर किसी के parents government side में है तो they are like government job ले लो वही अच्छी होती है। मेरे पापा भी government job में थे, मेरे को सेम चीज़ बोली गई थी। UPSC में अराउंड 10 से 12 लाख लोग हर साल अप्लाई करते हैं एंड द एक्सेप्टेंस रेट देयर इज 0.1%, ठीक है, वहाँ पे 1,000 लोग फाइनली सेलेक्ट हो रहे होते हैं, तो 1,000 आउट ऑफ 10 लाख पीपल, ये वहाँ का एक्सेप्टेंस रेट है। एक एग्जांपल और लेते हैं कि आपको अपना फैशन ब्रांड बनाना है। फैशन ब्रांड बनाने के लिए आप लोग बोलोगे भैया पहले ही इतने सारे फैशन ब्रांड हैं दुनिया भर के, तो फैशन ब्रांड बने हुए हैं, इतने बड़ी बड़ी कंपनीज है, रिलायंस ने अपना निकाला हुआ है, और अजियो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे इतने कंपनीज मिल जाती हैं, मिंत्रा पे बहुत सारी कंपनीज मिल जाती हैं, स्निच जैसे एक मेन्स फैशन कंपनी है, कितनी मुश्किल से वो बड़ी हो पा रही है, ऐसे बहुत छोटी छोटी कंपनीज हैं, राइट? तो हाउ विल आई मेक माई सेल्फ डिफरेंट, मैं ऐसा अलग क्या करूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा कंपटीशन है मार्केट में। अगर आप एक क्लोथिंग ब्रांड बनाने जाओगे तो बहुत आपको कंपटीशन मिल जाएगा। इज दैट सैचुरेटेड? बट स्टिल वी फाइंड कंपनीज कमिंग अप, स्निच जैसा ब्रांड कर सकता है, ऐसी बहुत सारे शार्क टैंक में अगर आप लोगों ने देखा हो तो बहुत सारे ब्रांड्स आए होंगे। इसके अलावा अगर आप बेकरी की साइड जाओगे, अगर आप मोमोज की साइड जाओगे, अगर आप किसी और फील्ड में जाओगे, यू विल सी पीपल डूइंग समथिंग। अगर वो बस सोच के ही बैठ जाए कि यार यहाँ तो सैचुरेशन है मैं क्यों ट्राई करूँ, तो वो कुछ कर पाएंगे? डू यू थिंक? नहीं कर पाएंगे ना। तो हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन हम ही होते हैं अपने, हम ट्राई ही नहीं करना चाहते, या फिर कोई ऐसा बंदा हमारे आसपास होता है जो हमें बोल देता है कि भाई ट्राई करने का तो फ़ायदा ही क्या है, बिकॉज ये तो हमें मिलेगा ही नहीं। एंड जो ये नेगेटिव लोग होते हैं ना, मैं इनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर तुम खुद पे ही विश्वास नहीं करोगे ना तो कोई दुनिया में, कायनात में कोई तुम पे विश्वास नहीं करेगा। I left my job because I had believe in myself कि मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा, कुछ नहीं हुआ तो वापस जॉब ले लूँगा। That's why I left my job to work on तैयारी and algo prep। अब एक चीज़ और है यार, अगर कोई चीज़ आसान होती है ना तो सब लोग कर लेते हैं, अगर कोई चीज़ टफ होती है तो लोग हार मान जाते हैं, एंड बहुत कम लोग कर पाते हैं। कोई भी फील्ड सैचुरेटेड नहीं होती, टॉप 10% 20% लोगों को हर जगह पर जॉब मिलती ही है। अगर आप टॉप 10% में नहीं हो तो ट्राई टू बी इन दैट टॉप 10%। अब उस टॉप 10% में कैसे आएंगे? मैंने इतने सारे रेज्यूमेस देखे, देयर वर अ फ्यू थिंग्स जो सब लोगों ने गलत करी हुई थी। अब यूट्यूब का एक्सेस सबके पास है, ठीक है, अब सब लोगों ने वीडियोस देखी हैं, DSA सब लोग करने लग गए हैं। तो पहले 7-8 साल पहले अगर कोई ट्रीज का क्वेश्चन पूछता था, ग्राफ्स का क्वेश्चन पूछता था, तो लोगों से सॉल्व नहीं हो पाता था। आज तुम किसी से पूछो सब कर लेंगे, बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो अबंडेंस में है, बहुत सारे हैं लोग जो एक्चुअली मेहनत करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, वो सब कर लेते हैं। सो जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा हाई सेट हो गया है, अब जो बार है वो थोड़ा और ऊपर हो गया है। बार और ऊपर होने की वजह से तो लोगों को ऐसा लगता है कि सैचुरेशन आ गया, बट सैचुरेशन नहीं आया है, कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो गया है। तो जब तक आप लोग ही मेहनत नहीं करोगे, आप लोग ही ट्राई नहीं करोगे, खुद से नहीं मेहनत करोगे तो कैसे होगा? अब मर्न स्टैक सब कर लेते हैं। जैसे मैंने इंटरव्यूज भी लिए काफी सारे, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे बेसिक। एक बंदे ने अपने एक इंटर्नशिप में प्रोजेक्ट में SQLite DB यूज किया हुआ था, मैंने उससे पूछा भाई इसका कोई और ऑप्शन होता है, लाइट वाला डेटाबेस होता है नो SQL फॉर्म में? उसने मेरे को आंसर दिया
कि होता है, बट आई डोंट नो, मैंने ट्राई ही नहीं किया ढूंढने का, मेरे को तो बस ये आता था तो मैंने इसको अपने प्रोजेक्ट में यूज कर लिया, विच इज अ वेरी 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 इनकरेक्ट आंसर व्हेन यू आर गिविंग एन इंटरव्यू. आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाई यू यूज्ड इट, एंड इस केस में ये वाला डेटाबेस क्यों यूज किया, इसकी जगह क्या और यूज कर सकते थे. एंड ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे लोग ध्यान नहीं देते हैं. प्रोजेक्ट सब बना लेंगे, कॉपी पेस्ट करना आसान है, गिटहब पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, सब बना लेते हैं, सबके सब बना लेते हैं. कॉपी पेस्ट करना कितना मुश्किल है भाई, आसान चीज तो सब कर ही लेंगे ना. 8 साल पहले HTML CSS JavaScript आसान हुआ करती थी, सब कर लेते थे. उसके बाद रिएक्ट आई, कुछ लोगों ने करनी स्टार्ट करी, अब सब कर लेते हैं, आसान हो गई है. ऐसी कोई नई चीज आएगी वो इनिशियली कम लोग करेंगे, वो टॉप 10% में आ जाएंगे, बचे हुए लोग 90% हैं, वो आसान चीज करते रहेंगे, रोते रहेंगे यहाँ पे तो सैचुरेशन है, क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा एज अभी तक निकाला ही नहीं अपना. ठीक है, तो एक चीज समझ लो, सैचुरेशन कभी नहीं आती है, किसी भी फील्ड में सैचुरेशन नहीं होती है. देयर इज ऑलवेज अपॉर्चुनिटी इफ यू ट्राई हार्ड इनफ. अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, अगर तुम ट्राई नहीं करोगे, अगर तुम इतनी पढ़ाई नहीं करोगे, तो चाहे कितनी भी आसान फील्ड हो, तुम्हें वहाँ पे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. एंड अगर ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा आसान फील्ड है, बहुत ही कम लोग हैं वहाँ पे, देन वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम होने वाली हैं, आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिलेंगी. जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ कॉम्पिटिशन होगा ही होगा. अब भैया आप लोगों ने तो बोला था मॉन्स्टाक कर लो, मैंने मॉन्स्टाक कर लिया, बहुत अच्छी बात है, मॉन्स्टाक आप लोगों ने कर लिया, बट क्या आप लोगों ने अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए, क्या आप लोगों ने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करी, या फिर आप लोग बस एक जो यूट्यूब पे किसी बंदे ने प्रोजेक्ट बनवा दिया था वो सेम बना के अपने रेज्यूमे अपने ऐड कर दिया. क्योंकि एक प्रोजेक्ट मैंने अराउंड, अगर मैंने 500 रेज्यूमेस खोल के देखे होंगे, उसमें से 70% रेज्यूमे में एक प्रोजेक्ट था, एंड वो था एक करेंसी कन्वर्टर, क्रिप्टो करेंसी कन्वर्टर, जिसमें आप जाओगे तो आपको अलग अलग जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं उनमें आपको दिख जाएगा कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो. सो दिस प्रोजेक्ट वाज सो फकिंग कॉमन यार, इतना ज्यादा कॉमन था ना, हर दूसरे बंदे ने ऐड कर रखा था. एंड आई वाज फ्रस्ट्रेटेड एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज सब लोगों ने सेम जगह डिप्लॉय कर रखा है, सब लोगों ने सेम चीजें यूज कर रखी है, सब लोगों की थीम सेम है, एंड में बस अपना नाम हटा रखा है या फिर नाम लगा रखा है या फिर एक आधी चीज बहुत इधर उधर कर रखी है. एंड इट वॉज नॉट शोकेसिंग योर स्किल्स, इट वॉज जस्ट शोकेसिंग दैट यू आर गुड एट कॉपीइंग थिंग्स. तो ये वाली गलतियां लोग करते हैं एंड दे थिंक कि उन्होंने टेक्नोलॉजी सीख लिया. ट्राई टू सॉल्व अ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम. फॉर एग्जांपल, बुकिंग ऐप बना रहे हो आप, बुकिंग ऐप बना रहे हो तो वहां पे लास्ट मोमेंट पे अगर दो लोग हैं, दोनों लोगों ने साथ में बुकिंग करने का ट्राई किया, तो किसको सीट मिलेगी, कैसे मिलेगी, उस चीज़ को कैसे आप हैंडल करोगे, सेमाफोर्स क्या होते हैं, म्यूटेक्सेस क्या होते हैं, लॉक्स कैसे लगाओगे, डेडलॉक क्या होता है, जो एक्चुअली चीज़ आप पढ़ते हो ना उनको यूटिलाइज नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा. इन चीज़ों पर भी ध्यान दो. अगर आपको अच्छा इंजीनियर बनना है तो पहले इंजीनियर बनना पड़ेगा. बट पहले भाई संकेत ने एक बात बोली थी मेरे को बहुत अच्छी लगी, कि पहले आपको ना क्यूरियस बनना पड़ेगा, पहले आपको भूख होनी चाहिए चीज करने की. जब आपको भूख होगी उसके बाद आप अच्छे इंजीनियर बन जाओगे. हंगरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सही में बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक तुमने सीखने की चाह नहीं होगी ना, तुम कभी सीखोगे ही नहीं यार. क्यों सीखोगे, क्या है, मस्त जीवन चल ही रहा है, तो पापा का पैसा है, नहीं है तो कोई नहीं खेती कर लेंगे, है ना, ये वाली मेंटालिटी होती है, क्या ही हो जाएगा. अगर तुम्हारे पास हंगर नहीं है पैसे कमाने का, मेहनत करने का, तो नहीं होगा. अपॉर्चुनिटीज बहुत है दुनिया में यार, मेरे को भी लगता था नहीं है, बहुत है. यू शुड बी डेडिकेटेड इनफ टू ट्राई. अब भैया यूनिक कैसे करें अपने प्रोजेक्ट्स को. अब लोग ना काफी बेसिक गलतियां करते हैं. ब्लॉकचेन वाला टाइम था यार, तो यूनिक बनाने के लिए मैं क्या करता था, अगर मैंने मॉन्स्टाक पढ़ लिया तो मैंने उसके साथ ब्लॉकचेन भी पढ़ लिया था, सॉलिडिटी पढ़ ली थी, मैं बेसिक Web3 के ऐप्स बनाने लगा था अपने टाइम पे, बिकॉज दैट वॉज वेरी न्यू. बहुत कम लोगों को सॉलिडिटी आती थी उस टाइम पे. दिस वॉज 2019-2020 में अगर तुम बात करोगे तो Web3 वॉज नॉट दैट प्रोमिनेंट एंड बहुत कम लोगों को आती थी ये चीज़ें. तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूनिक फैक्टर था, मेरे इंटरव्यूज में एक्चुअली उससे क्वेश्चन पूछे गए थे. इसके अलावा एक और गलती करते हैं लोग, कि अगर उन्होंने बस MongoDB पढ़ लिया है MongoStack में, तो मोंगो पे ही सारी चीज़ें कर रहे होते हैं. उनको SQL वर्सेस NoSQL में फ़र्क ही नहीं पता होता, हमेशा NoSQL यूज़ करते हैं, और NoSQL में भी और डेटाबेसिस पता ही नहीं होते. हैव यू एवर हर्ड ऑफ Elasticsearch? ये मैंने अपने SIH वाले प्रोजेक्ट में यूज़ किया था. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोगों ने नहीं कर रखी होती हैं. If they are applying for a web development intern, they have just done the basic things. उन्होंने मर्न के नाम पे सिर्फ MongoDB, Express, React और Node कर लिया है. बस ऊपर से कर लिया है. अपना तो नहीं हो ही जाएगा, और किसका होगा, हमें नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता. मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, अगर ये करोगे तो हो जाएगा. तो इतने सारे रेज्यूमे, हायरिंग, सब कुछ करने के बाद, बहुत सारा रिसर्च करने के बाद, what I realized was there are enough jobs. अगर तुम सर्च करोगे तो मर्न स्टार्क की भी जॉब्स मिल जाएंगी, तुम्हें फ्लटर की भी जॉब्स मिल जाएंगी, तुम्हें iOS डेवलपमेंट स्विफ्ट की भी जॉब्स मिल जाएंगी. जॉब्स हर फील्ड की होती हैं, बट भाई टॉप 10% में रहोगे तो ही तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी, तो ही तुम्हें 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख का पैकेज मिल रहा होगा. अगर तुम खुश हो 2 लाख, 2.5 लाख में, तो ठीक है, मतलब योर लाइफ योर रूल्स, बट मेहनत करनी पड़ेगी यार. ठीक है,
मेहनत करो वो 25 से 30 भी होगा, ठीक है, और 30 से 60 भी होगा। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। जब तक जितना ज़्यादा टाइम लगाओगे अपने ऊपर अपने स्किल्स पे उतना ज़्यादा तुम्हें फ़ायदा होने वाला है। तो आ जाते हैं हमारे इनिशियल क्वेश्चन पे कि जो वेब डेवलपमेंट है वो सैचुरेटेड है। नहीं, वेब डेवलपमेंट सैचुरेटेड नहीं है, बट जो द बार ऑफ हायरिंग हैज इंक्रीज बिकॉज द कॉम्पिटिशन हैज इंक्रीज बिकॉज द अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज हैज इंक्रीज। सर सैचुरेशन कुछ नहीं है, कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो गया है। जो मर्न वाला लेवल था उससे ऊपर चीज़ें जा चुकी हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स लोग पूछने लग गए हैं। लोगों को चाहिए कि तुम डे वन से डेवलपमेंट करना शुरू कर दो, तुम बस ऑन पेपर इंजीनियर ना हो। ऑन पेपर इंजीनियर का मतलब है तुम्हारे रेज्यूमे में तो दिख रहा है तुमने चीज़ें करी हैं, बट जब तुमसे क्वेश्चन पूछे जाए तुम क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओ। हमने भी बहुत सारे इंटरव्यूज लिए थे, हमने लोगों को एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया था। एक तो जब प्रोजेक्ट बनाने के लिए देते हैं आधे लोग वैसे ही मना कर देते हैं, आधे लोग वैसे ही फट जाती है, वो वैसे ही रिप्लाई नहीं करते हैं। तो अगर हमने 70 लोग शॉर्टलिस्ट किए तो उसमें से 40 लोगों ने प्रोजेक्ट सबमिट किया होगा, 40 लोगों में से हमने जो जिनका प्रोजेक्ट अच्छा लगा उसमें से कुछ लोगों के इंटरव्यूज लिए होंगे। उन इंटरव्यूज में जब हमने उस प्रोजेक्ट में चेंजेस करवा के देखे तो लोगों से चेंजेस नहीं हुए। समझ रहे हो, प्रॉब्लम सारी स्किल की आ जाती है। तो स्किल कैसे डेवलप होगी, मेहनत करके। स्किल कैसे डेवलप होगी, प्रैक्टिस करके। स्किल कैसे डेवलप होगी, जब तुम एक्चुअली कोड लिखोगे तो जितना ज़्यादा तुम कोड लिखोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए फायदा होगा। ज़्यादा कोड कैसे लिखोगे, हैकाथॉन्स में जाओ, खुद के प्रोजेक्ट्स बनाओ, ओपन सोर्स में कॉन्ट्रीब्यूट करो, या बस जो जो तुम्हें दिल में आए बस प्रोजेक्ट बनाओ, कुछ भी करो। अपने खुद के ऐप्स बनाओ, ऐप स्टोर पे डाल दो, खुद के ऐप्स बनाओ तुम डाल दो प्ले स्टोर पे, एंड ऐसे कर करके तुम सीखोगे चीज़ें। बाकी यार इफ़ यू वांट टू लर्न वेब डेवलपमेंट, हमारा डेव प्रेप लॉन्च हो रखा है, एंड उसमें सिर्फ मन नहीं तुम्हें पूरा नेक्स्ट जेएस वगैरह भी कराया जाएगा। तुम्हें इंडस्ट्री लेवल जो चीज़ें हैं वो सारी सिखाई जाएंगी, डेवऑप्स वगैरह भी सिखाया जाएगा, AWS वगैरह भी सिखाया जाएगा, एंड जितनी भी चीज़ें हैं जो एक्चुअली आजकल इंटरव्यूज में पूछी जाती है तुम इंटरव्यू रेडी हो जाओगे, एंड इसके साथ साथ तुम लोग एक अच्छे इंजीनियर भी बन जाओ, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है वो तुम सॉल्व कर पाओगे, एंड अच्छे प्रोजेक्ट्स बना पाओगे, एंड कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे साथ भी बनाओगे। तो जाके एनरोल कर सकते हो, कुछ लास्ट दिन बचे हैं। 2 जून से हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, 1 जून को हमारी ओरिएंटेशन है। तो दिस इज द लास्ट चांस टू ज्वाइन द कोर्स, कम विद अस, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू एंजॉय। वेलकम टू Algo Prep, बिकॉज आई नो यू आर गोइंग टू ज्वाइन द कोर्स, अगर वीडियो तुमने यहाँ तक देखी है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लास्ट में एंड नोट यही है कि मेहनत करो, कुछ भी सैचुरेटेड नहीं है, हर जगह अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ पे भी जाओगे कंपटीशन मिलेगा ही। अगर पूरी ज़िंदगी रोना ही है तो रोते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जहाँ जाओगे कंपटीशन तुम्हें मिलेगा ही। इस चीज़ को अपने जहन में दिमाग में हर जगह डाल लो और समझ लो कि तुमने मेहनत नहीं करी तुम्हारा कुछ नहीं होगा, मेहनत करोगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा। कीप ऑन वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम निशांत चार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।